सत्य सदैव कटु होता है। इस बात का दूसरा पक्ष ये भी है कि मित्र जयंत परम शक्तिशाली योद्धा होने के साथ साथ संकट के किसी भी बादल को परास्त करने की क्षमता रखता है। काश ना तो मैं तुझसे कोई शिक्षा प्राप्त करने आया हूं और ना ही अपने पुत्र की योग्यता का प्रमाण पत्र बनवाने। यदि तुम देवगुरु बृहस्पति के पुत्र और जयंत जयंती के मित्र ना होते तो तुम्हें हमारे अपमान का दंड अवश्य मिलता। देवराज, मेरी बात को अन्यथा न ले। मेरा प्रयोजन आपको कष्ट पहुंचाने का नहीं था, मैं तो मात्र सत्य कहने का प्रयास कर रहा था। असत्य को बार बार दोहराकर सत्य बनाने का प्रयास ना करो कच्च, अन्यथा इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। तुम हमारे दंड एवं क्रोध के भागीदार बनोगे। इस संसार के समस्त दंड भगवान शिव शंकर की इच्छा से निर्धारित किए जाते हैं। यदि मैंने उनकी दृष्टि में अपराध किया होगा तो मुझे दंड अवश्य मिलेगा। काच, तुम स्वर्गाधिपति के समक्ष उनकी महान सत्ता को स्वीकार करने का दुस्साहस कर रहे हो। नहीं देवराज, मैं विधि के विधायक भगवान शिव शंकर की सर्वोपरि सत्ता का स्मरण करवा रहा हूँ। पुत्र की इस घोर शत्रुता की रहस्यमयी कथा ब्रह्मदेव से सुनकर देवी सरस्वती ने इस कथा का संबंध जन्म लेने वाले पुत्र और माता के स्वभाव से जोड़कर मातृत्व प्राप्त करने वाली हर स्त्री को सचेत किया। भगवान शिव की सृष्टि में परिवर्तन की धारा वर्तमान को भूतकाल एवं भविष्य को वर्तमान बनाते हुए अदृश्य के नव निर्माण की ओर बढ़ रही है। हमारी ये शिव कथा भी अपनी उपकथाओं के साथ नई नई कथाओं को जोड़ती हुई एक ऐसी कथा को जन्म दे रही है जिनसे सृष्टि संरचना में निहित लोकहित और जन कल्याण को प्रोत्साहन मिलता रहे। कथा परिवर्तन के इस परिदृश्य में स्वर्ग लोक के पवित्र वातावरण में जन्मे तीन नवीन पात्रों का प्रवेश हो रहा है। देवराज इंद्र और देवराज्ञी शची के पुत्र जयंत, पुत्री जयंती तथा देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्च। देखो बहन जयंती, बृहस्पति आश्रम आ गया। पहले मैं पहुंचूंगा। नहीं भ्राता जयंत, पहले मैं पहुंचूंगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु, देवताओं के उद्धारक देवगुरु बृहस्पति, कहाँ हैं आप? पधारिये देवराज, देवरागी, गुरु बृहस्पति के आश्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जयंत, जयंती, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? देवरागी, जयंत जयंती आपको स्वर्गलोक में कहीं मिले या न मिले, मेरे पास अवश्य ही मिल जाएंगे, क्योंकि कच्छ जयंत की मित्रता के आकर्षण से बहन जयंती भी यहाँ खिंची चली आती है। हाँ माता,
स्वर्ग में हमारे आयु वर्ग का अन्य कोई साथी नहीं है। हाँ माता, प्रायः सभी देवगण पिता श्री की आयु के हैं और कच्छ हमारा परम प्रिय सखा भी है। माता, हम सब मिलकर यहाँ पर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। हाँ माता, हमारा मित्र कच्छ अपने पिता के समान ज्ञानी, चतुर, योग्य एवं परम शिव भक्त है। हमें इसका साथ अत्यंत प्रिय लगता है। देवराज, ये तो इन दोनों का बड़प्पन है कि स्वर्ग सम्राट के पुत्र पुत्री होते हुए भी मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के प्रति इतना स्नेह रखते हैं। अन्यथा मैं इस योग्य कहाँ? तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो कच्छ, तुम हमारे देव गुरु बृहस्पति के सुपुत्र हो। तुम्हारा व्यक्तित्व निसंदेह आकर्षक है। क्यों देवराज? हाँ देवी शक्ति, तुम संभवतः सत्य कह रही हो, किंतु जयंत, जिस प्रकार कच्छ अपने पिता गुरु बृहस्पति के पदचिन्हों पर चलकर अपनी महानता प्रस्तुत कर रहा है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पिता की भांति स्वर्गाधिपति बनने की योग्यता का प्रयास करना आवश्यक है। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज? मैं सत्य कह रहा हूँ देवी शची, संसार में हर व्यक्ति एक सा भाग्य लेकर जन्म नहीं लेता। जयंत स्वर्गाधिपति इंद्र का पुत्र है, स्वर्ग पर नित नए संकटों के बादल मंडराते रहते हैं। जयंत को अपनी शक्ति का विस्तार कर उसे स्वर्ग को अजय बनाने का प्रयास करना उचित है, तभी वो अपने महान पिता की महान संतान कहलाने योग्य होगा। क्षमा करें देवराज, आप हमारे पिता के समान हैं, किंतु सत्य कहने में संकोच कैसा? आपकी बात अहंकार से प्रेरित लगती है। मैं सत्य कह रहा हूँ देवराज, सत्य सदैव कटु होता है। इस बात का दूसरा पक्ष ये भी है कि मित्र जयंत परम शक्तिशाली योद्धा होने के साथ साथ संकट के किसी भी बादल को परास्त करने की क्षमता रखता है। काज! ना तो मैं तुझसे कोई शिक्षा प्राप्त करने आया हूँ और ना ही अपने पुत्र की योग्यता का प्रमाण पत्र बनवाने। यदि तुम देव गुरु बृहस्पति के पुत्र और जयंत जयंती के मित्र ना होते तो तुम्हें हमारे अपमान का दंड अवश्य मिलता। देवराज, मेरी बात को अन्यथा न लें। मेरा प्रयोजन आपको कष्ट पहुंचाने का नहीं था, मैं तो मात्र सत्य कहने का प्रयास कर रहा था। असत्य को बार बार दोहराकर सत्य बनाने का प्रयास ना करो कच्छ, अन्यथा इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। तुम हमारे दंड एवं क्रोध के भागीदार बनोगे। इस संसार के समस्त दंड भगवान शिव शंकर की इच्छा से निर्धारित किए जाते हैं। यदि मैंने उनकी दृष्टि में अपराध किया होगा तो मुझे दंड अवश्य मिलेगा। काज, तुम स्वर्गाधिपति के समक्ष उनकी महान सत्ता को स्वीकार करने का दुस्साहस कर रहे हो। नहीं देवराज, मैं विधि के विधायक भगवान शिव शंकर की सर्वोपरि सत्ता का स्मरण करवा रहा हूँ। जयंत, तुम तो कहते थे कि तुम्हारा मित्र चतुर, योग्य एवं ज्ञानी है, किंतु इसे तो अपने बड़ों से बात करने का संस्कार भी नहीं मिला। तुम दोनों ने अधिक समय इसके साथ व्यतीत किया तो तुम भी इसी के समान अयोग्य बन जाओगे। देवराज, आपके इस कथन पर मैं अपने पिता गुरु बृहस्पति की शपथ लेकर कहता हूँ कि समय आने पर हम तीनों स्वर्गलोक की स्थायी सुरक्षा के लिए अविस्मरणीय प्रयास करेंगे, जिसके लिए भले ही हमें अपने जीवन की आहुति तक देनी पड़ जाए। देवराज, आप भी बच्चों की बातों में आकर व्यर्थ ही क्रोधित हो गए। कच्छ, तुम्हारे पिता देवगुरु बृहस्पति कहाँ हैं? देवरागी, देवर्षि नारद ने स्वयं आकर पिताश्री को ये संदेश दिया था कि भगवान शिव शंकर उनका स्मरण कर रहे हैं, इसीलिए पिताश्री उसी समय कैलाश चले गए।
भगवान शिव को भला देवगुरु बृहस्पति से परामर्श लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मैं पुनः क्षमा का प्रार्थी हूँ देवराज। भगवान शिव शंकर सभी को आदेश अथवा उपदेश के लिए ही बुलाते हैं, परामर्श के लिए नहीं। तुम सत्य कह रहे हो कच्छ। देवराज आप क्रोध में भाषा पर संयम और शब्दों के प्रयोग में भूल कर जाते हैं। देवी कच्छ, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि भगवान शिव ने देव गुरु बृहस्पति को किस उद्देश्य से बुलाया होगा? बहुत स्पष्ट तो नहीं बता सकता देवरागी, किंतु मेरा अनुमान है कि भोलेनाथ देव दानवों के बीच युद्ध की संभावनाओं का स्थायी समाधान करने के इच्छुक हैं। ये तो महान कार्य होगा पुत्र। चलो। ओम नमः शिवाय। देव गुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप दोनों आज संभवतः पहली बार एक साथ कैलाश आकर आश्चर्यचकित हो, यह हम जानते हैं। परंतु इस शुभ अवसर का लाभ उठाने के लिए आप दोनों का एक साथ कैलाश आना परम आवश्यक है। हमारे कथन पर आप दोनों के आश्चर्य और उत्सुकता से यही प्रतीत होता है कि आप शुभ अवसर का तात्पर्य नहीं समझे। आपका अनुमान सत्य है। बोले ना, मैं दैत्य गुरु की बुद्धि प्रखरता के विषय में तो नहीं कह सकता, परंतु मैं ये नहीं समझ पाया कि शुभ अवसर कब तथा कैसे आया। शिव शंकर, जहां तक मेरा अनुमान है, संभवतः देवदानों के मध्य इस समय जो अस्थाई शांति है, आप उसी को शुभ अवसर की संज्ञा दे रहे हैं। अनुमान लगाने में आप कभी भी भूल नहीं करते दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ये आप ही की कृपा का परिणाम है भोलेनाथ। क्या देव दानवों के इस अस्थाई शांति को आप दोनों मिलकर स्थाई शांति नहीं बना सकते? हमारी इच्छा है कि आप दोनों स्थाई शांति के लिए सफलतम प्रयास करें। शिव शंकर, हम भली भांति जानते हैं कि स्वाभाविक शत्रुता को स्थाई मित्रता में परिवर्तित करना कोई सरल कार्य नहीं है, परंतु यह कठिन कार्य आप दोनों विद्वान गुरु मिलकर ही कर सकते हैं। हमारी इच्छा पर अपनी सहमति प्रकट न करके आप दोनों यही सिद्ध कर रहे हैं कि शत्रुत्व भाव मात्र देव दानवों के मध्य ही नहीं, आप दोनों के मध्य भी है। क्या इसे अशोभनीय आचरण की संज्ञा नहीं दी जाएगी? क्या विश्व बंधुत्व के किसी भी प्रयास का सहज स्वागत होना आवश्यक नहीं? कहें गुरु बृहस्पति, आपकी इच्छा पर असहमति का तो प्रश्न ही नहीं भोलेनाथ। यह समस्त सृष्टि आपकी इच्छा पर ही निर्भर है। विश्व बंधुत्व की भावना में ही लोक कल्याण का प्रेम पुष्प खिल सकता है। किंतु क्या देव गुरु बृहस्पति? भोलेनाथ, प्रश्न केवल मेरी सहमति भर का नहीं है। अपनी बात स्पष्ट करें देवगुरु। भोलेनाथ, आप देवराज इंद्र के स्वभाव से अपरिचित तो नहीं है। स्वार्थ एवं आशंकाओं से उनका मन सदा उद्विग्न रहता है। हर एक पर संदेह करना उनकी योग्यता है। दैत्यों की आसुरी और उन्मादी प्रवृत्तियां भी आपसे छुपी नहीं है भोलेनाथ। अहंकार उनका आभूषण है, वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही हमें अपना गुरु मानते हैं। मित्रता एवं शांति के लिए उनकी सहमति कठिन ही नहीं असंभव प्रतीत होती है।
किंतु आपके आदेश का पालन मैं पूर्ण रूप से करूंगा। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं भोलेनाथ कि दैत्य गुरु के समान मैं देवताओं को प्रेम तथा मित्रता का पाठ पढ़ाने का पूर्ण प्रयास करूं। आप दोनों की योग्यता पर हमें पूर्ण विश्वास है, साथ ही हम आप दोनों के प्रयत्नों पर शुभ परिणाम की आशा भी रखते हैं। आपकी इच्छा मात्र से ही असंभव भी संभव हो जाता है भोलेनाथ। देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मित्रता की घोषणा के लिए आप दोनों हमारे समक्ष हृदय से लगकर मिले, यह हमारी हार्दिक इच्छा है। जैसी आपकी आज्ञा। ओम नमः शिवाय। जय शंकर। जय भोलेनाथ। आप दोनों गुरुओं द्वारा अंकुरित मित्रता का बीज दो भिन्न भिन्न संस्कृतियों को एक करने वाले वृक्ष का रूप धारण कर सकती है। आपकी मित्रता देव दानवों के मध्य स्थायी शांति का कारण बने। भगवान शिव शंकर की जय। कैलाशपति भोलेनाथ की जय। नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव, स्वयं मैं आपको भगवान भोलेनाथ का संदेश देकर कैलाश नहीं पहुंच सका, इसलिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में क्षमा का स्थान नहीं होता नारद। नारायण नारायण। हमें ज्ञात है नारद कि तुम्हारी इच्छा होते हुए भी तुम कैलाश नहीं पहुंचे, क्योंकि वहां हमारी भेंट दैत्य गुरु शुक्राचार्य से होने वाली थी। इस बात से तो स्वयं मैं आश्चर्यचकित हूँ गुरुदेव कि भगवान भोलेनाथ ने इस चर्चा के मध्य मुझे उपस्थित रहने की अनुमति क्यों नहीं दी। क्योंकि तुम हास्य परिहास्य में सत्य कह देने वाले अपने स्वभाव को तो छोड़ नहीं सकते। संभवतः शिव शंकर इस वार्ता का स्वरूप परिवर्तित कराने के इच्छुक ही न हो। नारायण नारायण। गुरुदेव, सत्य को साहस के साथ कहने की शिक्षा आप ही ने मुझे दी है। अवश्य नारद, सत्य कहने में संकोच करना उचित नहीं, किंतु ऐसे प्रयासों में सत्य को प्रायः आवरण में लपेट कर प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें तुम्हारी योग्यता अधिक प्रभावित नहीं होती। नारायण नारायण। गुरुदेव, आपने ऐसे अवसरों पर अपने शिष्य की अभिनय क्षमता को परखा नहीं है। अब तो ऐसे अवसरों का प्रारंभ हुआ है नारद, शीघ्र ही तुम्हारी इस योग्यता का भी दर्शन करूंगा मैं। अर्थात? अर्थात अपनी उस योग्यता का परिचय देना प्रारंभ न करो नारद। हमें ज्ञात है कि तुम कैलाश एवं स्वर्ग के आकाश मार्ग पर खड़े उस भेंट का परिणाम ज्ञात करने के लिए व्याकुल हो। हाँ देवगुरु, आपका शिष्य उस भेंट का परिणाम ज्ञात करने के लिए अति उत्सुक है। भोलेनाथ की भी यही इच्छा है कि इस भेंट का परिणाम शुभ हो, किंतु किंतु क्या देवगुरु? मुझे इसकी सफलता पर संदेह है। शिव 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 इच्छा के उपरांत भी संदेह है गुरुदेव? गुरुदेव, इस संसार में जो कुछ भी घटता है भगवान भोलेनाथ की इच्छा से ही घटता है। इस संधि वार्ता को शिव इच्छा ना कहकर भोलेनाथ का एक शुभ प्रयास कहो। तुम्हें तो भली भांति ज्ञात है नारद कि प्रयास सदा सफल नहीं होते, ये ज्ञात होते हुए भी हम इसे सफल बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। नारायण नारायण। किंतु शुक्राचार्य, इस समय तो मुझे भी उन पर पूर्ण विश्वास है कि वो भी इस संधि को सफल बनाने का ही प्रयास करेंगे। क्या ये संभव है गुरुदेव कि दैत्यों के पुनरुत्थान के साथ स्वयं के अस्तित्व को जोड़ने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों को देवताओं के साथ संधि करने के लिए कहें? नारायण नारायण। वो तो सदैव देवताओं की पराजय का ही स्वप्न देखते हैं।
आज तक तो ऐसा ही था नारद, किंतु आज प्रथम बार मैंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नेत्रों में उग्रता के स्थान पर शांति की कामना देखी है। एक शिव भक्त होने के नाते वो सदा शिव शंकर के दिखाए मार्ग पर चलना ही उचित समझेंगे। भगवान भोलेनाथ का दिखाया मार्ग ही अन्याय, हिंसा और प्रतिशोध के वर्तमान वातावरण में धर्म संस्थापना एवं विश्व मैत्री का प्रयास सफल कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है नारद। गुरुदेव, मैं तो हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि आप दोनों के इस प्रयत्न से भगवान भोलेनाथ का शांति प्रयास सफल हो। तुम्हारे ही जैसे सबके हृदय हो जाए नारद, तो ये संसार कितना सुखी और सुंदर हो जाएगा। विश्वास रखे गुरुदेव, भगवान भोलेनाथ की इच्छा से वो दिन आएगा, अवश्य आएगा। तुम्हारी बात शीघ्र ही सत्य हो नारद। नारायण नारायण। देव गुरु बृहस्पति एवं नारद देव दानों के मध्य बंधुत्व की भावना और लोक कल्याण के विषय में विचार विमर्श कर अपनी अपनी दिशा में चले गए। किंतु देव और दानव जो दो विपरीत दिशाओं के प्रतीक हैं, क्या उनमें मित्रता हो सकेगी? नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है कि देव और दानवों का संघर्ष और शत्रुता इतनी सरलता से समाप्त नहीं होती। इस नियति चक्र के अधीन दैत्य राज नमुची का वंशज महाबली महासुर अपने राज दरबार में प्रवेश करता है। दैत्य कुल शिरोमणि नमुची के वंशज महाबली दैत्यराज महासुर की। ठहरो, दूर हट जाओ। मित्रपासुर। आज्ञा दैत्यराज। जानते हो, हमारी पकड़ से छूटकर असुर शक्ति का प्रतीक ये खड़ा क्यों गिरा? इतना तो नहीं जानता दैत्यराज, किंतु ये शुभ संकेत नहीं है। मूर्ख, शुभ अशुभ तो वीरों की भुजाओं में होता है। हम महाबली हैं, प्रत्येक अशुभ को शुभ में बदलना अच्छी तरह जानते हैं। क्षमा करें असुरराज। क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं। खड़क के गिरने का कारण बताओ। क्या पाताल की इस महासभा में कोई असुर खड़क के गिरने का कारण बता सकता है? महाबली महासुर के हाथों से खड़क का गिरना एक संकेत है। संकेत? हाँ, संकेत। कैसा संकेत दैत्यराज? संकेत इस बात का है कि हम दैत्यों की तलवारों ने बहुत दिनों से शत्रु देवताओं का रक्त नहीं पिया है, इसीलिए ये व्यग्र हो रही हैं। हम सब भी व्यग्र हैं दैत्यराज। तुम्हारी व्यग्रता का कारण है ये विद्रूपासुर। क्षमा असुरराज, क्षमा। पृथ्वी और पाताल के दैत्य वीरों को एकत्र कर असुर महासेना के निर्माण के हमारे आदेश का पालन अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या हमारी व्यग्र तलवार की प्यास अपने रक्त से बुझाने के इच्छुक हो? असुरराज, दैत्यों की एक महान सेना तो पृथ्वी लोक में कब से आपके आदेश एवं पृथ्वी आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। ये शुभ समाचार हमें पहले क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि पहले मैं आपको दैत्य गुरु शुक्राचार्य का संदेश सुनाने का इच्छुक था। परम पूज्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य का संदेश अवश्य ही हम असुरों के हित में होगा, इसलिए विद्रूपासुर शीघ्र अतिशीघ्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य का महत्वपूर्ण संदेश कहो। कहो विद्रूपासुर, कहो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने किसी आवश्यक योजना पर विचार विमर्श करने के लिए आपको अपने आश्रम में आमंत्रित किया है महाबली। आवश्यक योजना? क्या हो सकती है वो आवश्यक योजना? क्षमा करें असुरराज, इस विषय में दैत्य गुरु ने कोई संकेत नहीं दिया। कितनी बार क्षमा मांगोगे तुम, कितनी बार? देखो, ये मूर्ख हमें दैत्य गुरु का संदेश देने आया है, किंतु इसे स्वयं ज्ञात नहीं कि संदेश क्या है। असुरराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो सदैव शत्रु देवताओं के पराजय के लिए व्यग्र रहते हैं। संभवतः इस समय
आपको बुलाने के पीछे यही कारण हो? हाँ, तब तो हम शीघ्र ही दैत्य गुरु के दर्शन कर उनके आशीर्वाद एवं इच्छा के साथ पृथ्वी और स्वर्ग पर एक साथ आक्रमण करेंगे। हमारा उद्देश्य है पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर एक छत्र असुर साम्राज्य की स्थापना। दैत्यराज महासुर की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय।